अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सीधे आपको ले चलते हैं। श्री दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी खराब दिल्ली में उतनी खराब इन सभी शहरों में है। इसके अलावा धारूहेड़ा, कैथल, बल्लभगढ़, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, नारनौल, कुरुक्षेत्र, बागपत, मेरठ, कानपुर और बिहार में मोतिहारी, बेतिया, कटिहार, इनमें वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इस पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता, जनता को तो समाधान चाहिए। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, पंजाब में हमारी सरकार है। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं, 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है। बहुत सारी समस्याएं थी पंजाब की, बहुत सारे माफिया काम कर रहे थे पंजाब में, उन कई सारे माफियाओं को कंट्रोल किया है। इसके ऊपर भी मान साहब की सरकार ने कई कदम उठाए हैं, वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। पराली के ऊपर पहला साल था, कुछ महीने का चंद टाइम मिला, कुछ कदमों में कुछ सफलता मिली, काफी सफलता नहीं मिली, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक, जब अब लगे हुए इस पे, अगले साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन हम इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है। इसमें मान साहब की सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। किसान खुद भी पराली नहीं जलानी चाहता, लेकिन क्योंकि अगली फसल और धान और गेहूं की फसल में सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन का गैप है, तो वो 10-12 दिन में अपने खेत से पराली को कहीं इधर उधर भी नहीं कर सकता, तो उसके पास माचिस की तीली है बस। हमने 1,20,000 के आसपास जो मशीनें ली जो पराली को बीच में ही जमीन के बीच में ही खपत कर देती हैं। पीएयू ने एक ऐप बनाई, जैसे आप ऊबर ओला की कैप ऐप देखते हो कि आप उस पर अगर टच करते हो तो आपको आपके रीजन में 2-3 किलोमीटर की रेंज में जितने भी मशीनें अवेलेबल हैं, ट्रैक्टर अवेलेबल हैं, आप वहां जाके कॉन्टैक्ट नंबर सहित उसमें आ जाते हैं। हमने
गुरुद्वारा साहब जो गांव में है वहां पे बार बार हमने वहां गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट्स करवाई कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। गुरु नानक साहब ने पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माता का दर्जा दिया। ये तीनों दर्जे हमने कायम रखने हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत सी पंचायतों को इनकरेज किया। मेरे पास आंकड़े हैं कि 124 गांव, 120 गांव, 93 गांव, उन्होंने इकट्ठे होके अपनी अपनी पंचायत बुला के ये मता पास किया ग्राम पंचायत ग्राम सभा में कि हम लोग पराली नहीं जलाएंगे। तो पराली नहीं जलाना चाहता किसान, हाँ अगर जल रही है, जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन इसको मिल बैठ के हल करना पड़ेगा। जैसा कि अरविंद जी ने बोला कि हमारे पास इतना कम समय था, इतने कम समय में दोनों फसलें आ गई। 16 मार्च को सेरेमनी थी, बस 15 दिन बाद गेहूं आ गया, बिल्कुल गेहूं के बाद धान आ गया। धान की प्रोक्योरमेंट में कोई कमी नहीं है, लिफ्टिंग में कोई कमी नहीं है, किसान को पैसे मिलने में कोई कमी नहीं है, बल्कि घंटों में ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे। लेकिन अगर हम ये शान से कहते हैं कि इस साल पंजाब में, हरियाणा में या देश में इतने लाख मीट्रिक टन धान पैदा होगा, रिकॉर्ड टूट जाएंगे, तो हम उस बात को तो शान से कहते हैं। लेकिन हम उस समय ये भी हमें याद रखना चाहिए सरकारों को कि अगर धान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो पराली के रिकॉर्ड भी टूटेंगे, उतनी पराली भी तो आएगी। तो हमने अभी क्योंकि समय कम था, फिर भी हमने बायो एनर्जी का इंडिया का पहला प्लांट बर्बियो कंपनी है जर्मनी की, उलहरा गागा के पास माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी वहां पे आए थे, उद्घाटन किया। वो एक प्लांट जो है 47,000 एकड़ की पराली उठा लेगा, पैसे भी देगा उठा भी लेगा। एक प्लांट सिर्फ 47,000 एकड़ सिर्फ, क्योंकि पंजाब में 75,00,000 एकड़ में धान की बुआई होती है, तो एक से तो काम नहीं चलेगा। ऐसी हमें पीसीओ कंपनियां चाहिए, पराली से बिजली बनाने वाली कंपनियां, पराली से सीएनजी बनाने वाली कंपनियां, बहुत कुछ लेटेस्ट आ गया। हम आपसे ये वादा करते हैं अगले साल नवंबर में इसी हॉल में शायद हम किसी और एंगल से बैठेंगे कि हम उस समय तक इसका हल कर चुके होंगे। चाहे तो हमें पंजाब में इतनी फर्टाइल धरती है, कुछ भी बीज सकते हैं, बस एमएसपी मिल जाए। चाहे तो हम जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसकी तरफ जाएंगे, फसलों की अदला बदली में। धान से किसान भी कह रहा है मैं धान नहीं उगाना चाहता, मेरा पानी नीचे जा रहा है धरती पर। तो जिम्मेदारी लेते हुए बींग ए हेड ऑफ द स्टेट पंजाब, बहुत शहद किया, बहुत एफर्ट अभी भी जा रही है जितनी देर तक ये क्लियर नहीं होता, लेकिन उसके लिए कोई एक जिम्मेदार आदमी नहीं है, उसमें ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। और अगले साल तक हमने अभी से लग गए हैं कि अगले साल बहुत सा एरिया, बहुत अभी मैंने 75,00,000 एकड़ बोला है, 35,00,000 एकड़ में पराली नहीं जलती, सिर्फ 40,00,000 एकड़ में जलती है। 40,00,000 एकड़ को भी हम कोशिश करेंगे कि कहीं और किसी और फसल का बदलाव हो जाए, किसान को उतने ही पैसे जितना धान बीज कर एक एकड़ से उसकी कमाई होती है किसी और फसल से हो जाए, चाहे तो वो सरसों हो, चाहे बाजरा हो, सूरजमुखी हो, पॉपुलर हो, सब्जियां हो, लेकिन मार्केटिंग चाहिए। तो इसके लिए हमने अभी से काम शुरू कर दिया। तो मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर सरकार को मिलकर बैठना चाहिए, ये नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है, पूरे नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है, जैसे कि सीएम साहब ने अभी शहरों के नाम गिनाए।